पता है कि गठबंधन की सरकार के द्वारा आपका जो बिजली बिल था ये सारा बिल माफ हो गया। कोई आदमी अगर आपको बिजली का बिल लेने के लिए आता है उस आदमी को बांध करके थाना में भेज देना, पैसा मत देना उसको, रोक टक कर देना। बिजली बिल 200 यूनिट तक माफ हो गया है। दूसरा बात है कि सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना किया गया है। आज तक मैया सम्मान योजना इतना दिन में कोई सोचा नहीं, गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मैया सम्मान योजना शुरू किया है और सितंबर 13 तारीख को दूसरा किस्त भी उन्होंने दिया है। मैया सम्मान योजना न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। साल में उन महिलाओं को 12,000 रुपया देने की बात कट भारत योजना है। आज आप सभी लोगों को एक बात कहने के लिए आए हैं, ये जो जयंती के माध्यम से आपने राजनीतिक चेतना चीजों को समझना होगा। आज पूरे देश से लोग गीत की तरह आ रहे हैं, तुम्हारा चुनाव आ रहा है, मंडरा रहे हैं यहाँ पर। और कल ही उड़ीसा का प्रत्येक मुख्यमंत्री आया था और उन्होंने कहा, यहाँ उड़ीसा का मुख्यमंत्री आया और बात को समझो, उन्होंने कहा कि खराय से सराय करा और खरसवा को हम उड़ीसा में मिलाएंगे। ये बात बोल रहा है, मतलब झारखंड को फिर बांटने का प्रयास किया जा रहा है, झारखंड को टुकड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री आता है उड़ीसा का और बोलता है खरसवा और उड़ीसा हमारा खरसवा और सरायकेला हमारा हिस्सा है, हमको लेना है, ये बोलता है। उधर आपका निशिकांत दुबे, उधर निशिकांत दुबे गोड्डा में बोल रहा है कि हमारा भागलपुर से लेकर के गोड्डा से लेकर के और वहां पर कई जिलों को मिला करके अलग राज घोषित कर दीजिए और केंद्र शासित राज्य बना दीजिए। इस बात को आपको समझना है कि कुछ ताकत झारखंड को, जबकि झारखंड बेहद झारखंड के लोग मांग करता है, लेकिन झारखंड के कुछ जिलों को काट करके फिर दूसरे जिला में मिलाने की बात कह रहा है। इस बात को आप पढ़े लिखे नौजवानों को समझना होगा। तीसरी बात हम कहेंगे, जब कभी भी इस राज्य में बेरोजगारों को नौकरी देने की बात आती है, जब कभी एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, ये लोग एक षड्यंत्र करा करके क्वेश्चन को निकालने का मामला में फंसा देता है, कोर्ट कचहरी का मामला फंसा देता है। और जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो भीतर भीतर अपना आदमी लोगों को बाहरी कराता है और हमारे लोगों को नौकरी से वंचित करता है। इस बात का बड़ाई है, मैं 20 साल का याद दिलाता हूँ आपको, जानों के लोगों ने कुर्बानी दिया है। अगर मूलवासी का और आदिवासी का लड़ाई, अगर चाहे आपका सदान हो, मुसलमान हो, मोराबादी में आज से 20 साल पहले रेलवे में लेके जाते थे और उसी का नतीजा है कि लोगों को हम लोग आदिवासी मूलवासी और स्थानीय बोलना सिखाए हैं। इसलिए जानों के लोगों को यह समझना होगा और आने वाले दिन में आपके पास एक से एक, अभी अभी भाषण हो रहा था, भाषण में लोगों का हमें जगह हम सुने, भाषण में सुना गया सिर्फ और सिर्फ झूठ की बातों को, एक तरीके की बातों को परोसने का काम किया जाता है। इसलिए गठबंधन की सरकार को अभी भी जनता पर भरोसा है और आने वाला दिन में पुनः झारखंड की सरकार बनेगी और अपुआ आवास, जो हम लोगों का 8 लाख आवास मिलना था प्रधानमंत्री आवास के तहत, इसको इन्होंने भारत सरकार रोक दिया था और हमारे गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी ने आपका 5 लाख यहाँ पर अपुआ आवास देने का काम किया है और 2024-25 तक आपके लोगों को 15 लाख आवास आपका और यहाँ पर मिलेगा। इसलिए आप जनता को खुद भाई खुद आपको समझना होगा। मैं जनता को अपील करता हूँ कि आप सब लोग आँख कान नाक खोल कर रखे, आपका बहुत बड़ा, आपको इस राज्य का भविष्य आपको तय करना है, आपको बताना है। आप केवल हमारी भाषण पर,
हमारी जनता के आवाज पर आपको स्वयं मूल्यांकन करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4,000 किलोमीटर पैदल जाकर के लोगों के साथ में प्रेम और प्यार और मोहब्बत का लोगों के पास में बात करने का काम किया। साथ साथ में यहाँ पर सरना कोर्ट को अगर कोई सरना कोर्ट को अगर देने की बात किया है तो हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी झारखंड में आकर सरना कोर्ट की बात को देने का भगवान बात किया है। इसीलिए मित्रों मैं आपको कहना चाहूंगा, हम लोगों का एक इच्छा है, लोगों का कहीं कहीं पर बहुत लोग कहीं कहीं का लोगों ने आंख में पट्टी बांधा रहा था, मानदार ऐसे जगह में हम लोगों ने आज हम लोग भेड़ों में एकलव्य स्कूल का उद्घाटन करके हम आ रहे हैं और उस एकलव्य स्कूल में वहां पर 50 लोगों का बहाली होगा। दोबारा थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में उसको लोकल लोगों का बहाली करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर तुम्हारा मांडर कॉलेज में 19 करोड़ का लागत से बहुत बड़ा स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर खुल रहा है तुम्हारा। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका से नर्सिंग ट्रेनिंग से लेकर के ये तमाम चीजें हैं। इसीलिए बहुत सारे विरोधियों को काम नहीं दिखता है, लेकिन ये लोग आपका कई तरह की बातों को लेकर के बरगलाने का काम करते हैं। पहले मैट्रिक का परीक्षा लो रांची जा करके लिखता था, लेकिन आज आपका बेटा बेटी ब्लॉक में मैट्रिक का परीक्षा लिखता है। ये हम लोगों का देन है, इस बात को समझना। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आने वाले दिन में आपके साथ में 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं शिल्पा जी, आपके बीच में 2-5 सौ से आपके पास आई है। आने वाले दिन में हमारे साथ इस राज को बचाना है, इस राज को टुकड़ा करने से बचाना है, इस राज के महिलाओं को आगे बढ़ाना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है। तो आपको जो यहाँ पर गलत गलत बयान देकर के इस राज को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है कुछ लोग, इसको आपको बचाना होगा, तुमको बता रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ झूठ की बात को फैलाने का काम करते हैं पूरे राज में, ऐसे लोगों को आपको जवाब देना होगा। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर, स्वर्गीय शोभा टाना भगत के जयंती के अवसर पर, लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर आप लोगों को संकल्प लेकर के हमारे इंडिया गठबंधन को पुनः हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनाना है। लोग बड़ी बड़ी बात आकर के बोल रहे हैं, यहाँ पर एगो असम का मुख्यमंत्री है, रोज झूठ में झूठ बोलता है, रोज झूठ में झूठ बोलता है। हमने उसको बोला अगर तुम में दम है तो गाय माँ का पुछली पकड़ करके तुम सच से कसम खा कर बताओ तुमने ये बात बोला था कि नहीं, उसको हिम्मत नहीं हुआ बता। यहाँ पर अगर तुम्हारा एमपी का आता है रोज ना रोज कुछ ना कुछ को बात को बोल कर चला जाता है। इसीलिए आप सभी गरीब लोग, हम लोग गरीब का लड़ाई लड़े हैं और गरीब का लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं। इसलिए आप सभी लोगों को हम अपील करते हैं कि आने वाला दिन 2 महीना बहुत बड़ा चुनौती का समय है। हम हर आंधी और तूफान को पार करते हुए हमें पूरा हेमंत को मुख्यमंत्री बनाना है, गठबंधन का मंत्री बनाना है पूरा। और हमको विश्वास है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर है, माननीय पूर्व अध्यक्ष बानमोजू जी से वरिष्ठ नेता है, मुझे विश्वास है और इतना ताकत रखते हैं शिल्पा को चुनाव आने वाले दिन मंत्री बना करके भेजेंगे यहाँ से और आपका सेवा करेगा, इस बात को आपको समझना होगा। और जैसे शिक्षा मंत्री थे जैसा काम किए वैसे एक करेंगे। आपको पता है हमको भारतीय जनता पार्टी कौन चीज का सजा दिया, हमने क्या किया जो हम 2029 तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, हमने कौन सा किया भाई, क्या किया भाई, कहीं गलत चोरी किया, कोई किया कुछ नहीं किया, और बेवजह का हमारे ऊपर में आरोप लगा करके हमारा केस को लंबित रखा। और देख लेना कल परसों चुनाव घोषणा हो जाएगा, नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा तो ये लोग मेरा केस को खत्म कर देगा, ये बात को बता देना तुम्हारा। इसलिए आपको समझना है हमारी लड़ाई ये सबसे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, फिरकाप्रस्त लोगों के साथ लड़ाई है, हमें गांधी के रास्ते पर चलना है,
किसानों के लिए जय जवान जय किसान का नारा लगाना है। बहुत सारी बातें हैं क्योंकि मैं फिर हम लोग एक सभा आने वाले दिन में करेंगे जिसमें कितने लोग आंध्र में मारा, कितने लोग कर्नाटक में मारा, कैसे उनका लाश लाए मजदूर का, कैसे स्वास्थ्य योजना में पैसा दिलाया गया, ये पूरा विस्तार से बातों को आपको हम कहेंगे। इन्हीं जनसंख्या के साथ आप सभी लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि हमारे वक्ताओं की बात को सुनो। खेल होता इस तरह का ये चीज, लेकिन हम जब जमा होते हैं तो कुछ सीखना है, समझना है। समय पहले और अब में बदल दिया है। जो समाज सीखता है, जो समाज पढ़ता है, वही समाज आगे बढ़ता है, संगठित होता है और संघर्ष भी करता है। इसलिए आपको समझते हुए काम करना है। ये मेरे लिए नहीं, हम ये नहीं कि हम चुनावी के लिए नहीं, सिर्फ हम चाहते हैं कि आपका पैदा किया हुआ बेटा हर कोई बोले कि कल हम एसपी बनेंगे, डीसी बनेंगे, वीडियो बनेंगे, मास्टर बनेंगे, नर्स बनेंगे, सेना में जाए। ये नौजवान का मुंह से जिस आवाज आने लगेगा अपना माँ बाप के पास कि हम जज बनेंगे, हम वीडियो बनेंगे, हम पुलिस में जाएंगे, आपके मुंह से जिस दिन आवाज आएगा ये झारखंड परिवर्तन के रास्ते की ओर बढ़ेगा और जानो भी विकसित होगा। मित्रों किसी बात को समझना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सब लोग एक बार जोर से हाथ उठाओ, सारे लोग हाथ उठाओ और संकल्प लेकर बोलो कि आने वाला दिन में हम बेहतर झारखंड बनाने के लिए हम गठबंधन को जिताएंगे और आगे बढ़ाएंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूँ।